आज जो प्रोग्राम मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो प्रोग्राम मैं अपनी जान को खतरे में डालकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इस वक्त दरियाए चिनाब पर मौजूद हूँ। कुछ किलोमीटर के फासले पर रब्बा शुरू हो जाएगा। कादियानियों का शहर रब्बा, कादियानियों का शहर रब्बा। तारीख में इससे पहले ऐसा प्रोग्राम कोई मेजबान ना कर पाया, ना कोई मुस्तकबिल में कर पाएगा। हम इस वक्त कादियानियों के शहर रब्बा यानी चिनाब नगर में मौजूद हैं। ये वही कब्रिस्तान है जिनको कादियानी दोजख यानी जहन्नुम का दर्जा देते हैं। नाज़रीन इकराम, इनकी हर कब्र की तख्ती पर नाम के आगे अहमद जरूर लिखा हुआ है। कादियानियों की तमाम इमारतें दिखलाऊंगा, कादियानियों के तमाम दफातर दिखलाऊंगा, कादियानियों के अस्पताल दिखलाऊंगा और इनके घर भी आपको दिखलाऊंगा, इनके रहन सहन का तरीका भी आपको दिखलाऊंगा। ये कादियानियों के घर हैं, यहाँ कादियानी आबाद हैं, इन घरों में कादियानी रहा करते हैं। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे करीब से एक बाइक गुजरी, ये भी कादियानी थी। इन हर कब्र पर इन्होंने छोटी छोटी सफेद कंकरियां डाल रखी हैं, यानी कोई भी कब्र मिट्टी की दिखलाई नहीं देती। कादियानियों के शहर में म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर है चिनाब नगर। आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम मरकजी शहर में दाखिल हो चुके हैं और आपको यहाँ की अस्पताल भी दिखला रहे हैं। तो अब हम कादियानियों के जो माजी में मुरब्बी रहे हैं अरशद एजाज साहब, उनकी खिदमत में हाजिर होंगे। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे, इस लेवल के ऊपर ताबाए किराम में से, अहले बैत में से अगर कोई सपोर्टर था तो वो मौला अली थे। कि ये बड़ा अच्छा मौका था कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं लेकिन उम्मती नबी होंगे और पहला उम्मती नबी मौला अली तू है। आपने कहा तेरी निस्बत मेरी वही है जो एक नबी की दूसरे नबी से होती है, हारून की मूसा से, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी अली तू भी नबी नहीं हो सकता। अगर मौला अली नबी नहीं हो सकते ना उम्मती नबी हो सकते हैं, ते गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ते शाही कोई नहीं, क्योंकि मेरे अली सा है ही कोई नहीं, तेरा कादियानी ते शाही कोई नहीं। आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको उस शख्सियत के साथ मुतारिफ कराने वाला हूँ जो कादियानी है। कादियानी खुद को मुसलमान कहते क्यों है? ट्रू इस्लाम जो है वो अहमदियत ही है। ट्रू इस्लाम जो है वो ट्रू अहमदियत ही है। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब बताते हैं इस हवाले से कि वो नबी नहीं क्लेम करते, उम्मत ही नबी क्लेम करते। मिर्जा साहब के पास मुकम्मल मालूमात नहीं है। 1905 में इसने ये कहा है कि मैं नबी भी हूँ और रसूल भी हूँ, कि मैं नबी भी हूँ और रसूल भी हूँ। कल मुझे एक शख्स ने कहा कि तुम मिर्जा साहब को नबी मानते हो, आया वो नबी हैं? तो मैंने कहा हाँ नबी हैं। हर नबी का कलमा ना भाई, तो कोई नया कलमा पेश करो। हमारे आका वाला कलमा पेश कर रहे हो भाई। हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही है, क्योंकि मिर्जा साहब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आपके खानदान में बुनियादी तौर पर कादियानियत आई कैसे? जब हम कलमा पढ़ते हैं वही नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तो फिर हमें ये सारे लोग गैर मुस्लिम क्यों कहते हैं? कादियानियों के आप पर इतने एहसानात हैं कि उन्होंने अपने रसायल में, अपनी किताबों में आपकी तस्वीर तक छाया किए। कादियानियों ने इनकी यानी अरशद साहब की तारीफ भी अपने इस रसाले में कर रखी है, आप देख सकते हैं। हम कादियानियों को किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं? जुबान से, अखलाक से। जब हम कादियानी डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर बाहर जाके हमारे लिए आसानी हो जाएगी, रूहानी खजाइन में इस दज्जाल ने इतनी गुस्ताखियां की इमाम आली मकाम के बारे में। मुझे हर वक्त अल्लाह की तायीद और नुसरत हासिल है, जो तुम्हारे हुसैन को हासिल नहीं थी, कादियानी औरत या मर्द की पहचान दर क्या? 30 साल आप कादियानी रहे और लोगों को गुमराह करते रहे, ऐसे ही है। आप तकरीबन 30 साल इस गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को नबी मानते रहे, क्योंकि आप कादियानी थे।
एक मरतबा से हमारे नाज़रीन के सामने जरा तजदीदे ईमान कर लीजिए। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم بس لي عليه لي خمسه تفسي بها حر البابا الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه دنیا بھر کے تمام ممالک شہر و دیہات گلیوں بازار کوچہ و مینار الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت خلوص ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخر رسول اور نبی ہیں۔ ناظرین کرام، آج جو پروگرام میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ پروگرام میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں اس وقت دریائے چناب پر موجود ہوں اور یہ شہر چنیوٹ ہے۔ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ربوہ شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، قادیانیوں کا شہر ربوہ، جس کو اب چناب نگر کہا جاتا ہے۔ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ربوہ کی بنیاد 1948 میں قادیانیوں کی جانب سے رکھی گئی اور 1948 کے بعد اب قریباً 1134 ایکڑ کی زمین قادیانیوں نے لیز پر لے رکھی ہے، جو کہ ربوہ یعنی چناب نگر کے نام سے مشہور ہے۔ ربوہ شہر یعنی قادیانیوں کا شہر، میں ابھی اس شہر میں جانے والا ہوں اور آپ کو قادیانیوں کے ایسے ایسے حقائق بتاؤں گا کہ آپ کی عقل پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی اور آنکھیں کھلی کی کھلی۔ جی ہاں ناظرین کرام، چونکہ تاریخ بھی ہم کو بتلاتی ہے کہ شہر ربوہ یعنی شہر چناب نگر میں قریباً 95% قادیانی آباد ہیں اور 5% مسلم کمیونٹی ہے، کیونکہ قادیانی بھی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تاریخ میں اس سے پہلے ایسا پروگرام کوئی میزبان نہ کر پایا، نہ کوئی مستقبل میں کر پائے گا، چونکہ آج کا پروگرام جان کو انتہائی خطرے میں ڈال کر میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہم آج کے اس پروگرام میں قادیانیوں کو باقاعدہ ایکسپوز کریں گے، قادیانیوں کے جھوٹے عقائد آپ تک پہنچائیں گے اور قادیانیوں کے باطل عقائد جو ہیں وہ کھول کھول کر ہم بیان کریں گے کہ قادیانی دجال ہیں، جھوٹے ہیں اور ان سے بڑا فتنہ اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ہم شہر ربوہ یعنی چناب نگر میں جائیں گے اور ان کی جانب سے ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے دو قبرستان بنا رکھے ہیں، ایک کو جہنم کا نام دیا اور ایک کو جنت کا نام دیا ہے۔ ہم آپ کو قادیانیوں کی بنائی ہوئی جھوٹی جہنم میں دکھائیں گے اور قادیانیوں کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت بھی دکھائیں گے۔ ناظرین کرام، میں چل کر تھوڑا پیچھے آ گیا چونکہ ایک مجمع سا لگ رہا تھا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، انتا خاتم النبیین۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے عقلوں کے دریچے کھل جائیں گے، کیونکہ یہ میں نہیں بتلا رہا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتا خاتم النبیین، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہی میرے آخری نبی ہیں اور یہی آخری محبوب بھی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا کہ آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہیں پہ ٹھہر جائیے۔ مولا علی علیہ السلام چونکہ عاشق رسول، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ غمزدہ اور مخزوم ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اے میرے سیدی، اے میرے مرشدی، اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، آج آپ اکیلے چلے جائیں گے، مجھے لے کر نہیں جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا، اے علی، کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں کہ تیری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ علی، تیری اور میری نسبت ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میں یہاں ایک نقطہ لطیف، رقیق، دقیق اور لذیذ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی نبی نہیں ہو سکتے،
तो कोई दज्जाल ये कैसे दावा कर सकता है कि मैं नबी हूँ या मैं उम्मती नबी हूँ? क्योंकि हम कादियानियों के शहर में मौजूद हैं और मौसम भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौसम भी बारिश वाला हो गया और यहाँ काली घटाएं हमको चारों तरफ अपनी लपेट में ले चुकी हैं। और आप मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि मैं अपनी जान को खतरे में डालकर आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वाला हूँ और प्रोग्राम निभाने वाला हूँ। सिर्फ ये नहीं होगा नाज़रीन कराम, बल्कि इस प्रोग्राम के बाद बिल्कुल इसके साथ मुत्तसिल एक पॉडकास्ट होने वाला है। आपने वो पॉडकास्ट सोशल मीडिया की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं देखा होगा जो हम पेश करने जा रहे हैं। अभी हम चलते हैं शहर रब्बा यानी चिनाब नगर में। मैं चिनाब नगर पहुंच तो गया मगर शदीद बारिश की वजह से मैं गाड़ी के बीच में से ही आपको फुटेज दिखला रहा हूं। मगर इस यकीन के साथ कि जैसे ही बारिश थमेगी तो आपको कादियानियों का शहर रब्वा यानी जो मौजूदा चिनाब नगर है आपको मुकम्मल तौर पर दिखलाऊंगा। आप कादियानियों की चौकी देख सकते हैं जो हम पीछे गुजार रहे हैं, जिसको पुलिस स्टेशन कहा जाता है। अब कादियानियों का स्कूल आपको दिखला रहा हूँ जो मेरे दाएं जानिब था, और बारिश शदीद है जिसकी वजह से मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा। आप देख सकते हैं यह कादियानियों का स्कूल है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जी नाज़रीन कराम, आप इस वक्त हमारी खुसूसी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम रब्वा यानी चिनाब नगर में मौजूद हैं और जो इनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जन्नत और जहन्नुम का, यानी इनके यहाँ जो इनकी जमात के लोग चंदा देते हैं उनको बादस मर्ग जन्नत में दफन कर दिया जाता है। जो इन्होंने खुद साख्ता जन्नत बना रखी है उस जन्नत में दफन कर दिया जाता है, चूँकि वो अपनी जमात को चंदा देते रहते हैं। और जो चंदा नहीं देते गरीब होते हैं उनको उस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है जिसको जहन्नुम का दर्जा दे रखा है। और जहन्नुम आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन आपको ये दिखा रहा है। नाज़रीन कराम, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कब्रिस्तान है जिनको कादियानियों ने जहन्नुम का दर्जा दे रखा है। और जहन्नुम का दर्जा फ़कत इसलिए दे रखा है चूँकि ये वो कादियानी हैं जिन्होंने अपनी जमात को चंदा नहीं दिया था। इसके बिल्कुल साथ ही एक जन्नत है। ये दरख्त आप इस वक्त देख रहे हैं, दरख्तों के उस पार इन्होंने एक कब्रिस्तान बनाया है जिसको जन्नत का दर्जा दे रखा है। और कादियानियों का ये कहना है कि भाई वो जन्नत है, जितने भी नेक लोग हैं या नेक रूहें हैं वो जन्नत में हुआ करते हैं और जन्नत में ही उनकी तदफीन हुआ करती है, जबकि ये कॉन्सेप्ट इनके यहाँ है। आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में आगे चलकर एक शख्सियत को हमारे साथ विराजमान देखेंगे। जो शख्सियत अभी न्यू मुस्लिम है यानी उनका ताल्लुक कादियानी मस्जिद से था, कादियानी मजहब से था, लेकिन अब वो दीन इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं और वो इस्लाम को कबूल कर चुकी हैं। उनके साथ अभी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि ये वही कब्रिस्तान है जिनको कादियानी दोजख यानी जहन्नुम का दर्जा देते हैं। नाज़रीन इकराम, इनकी हर कब्र की तख्ती पर नाम के आगे अहमद जरूर लिखा हुआ है, क्योंकि ये अहमदी भी खुद को कहलवाते हैं, जबकि ये बिल्कुल मुकदमा ही बातिल बैठता है। इस हवाले से मैं मजीद भी इंकशाफात करने वाला हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चूंकि तारीख में ऐसा प्रोग्राम आपने पहले नहीं देखा होगा। हम इस वक्त कादियानियों के शहर रब्वा यानी चिनाब नगर में मौजूद हैं, और ना सिर्फ चिनाब नगर में मौजूद हैं बल्कि कादियानियों के उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जिनको कादियानी जहन्नुम का दर्जा देते हैं। और आप साथ साथ फुटेज भी देख रहे हैं जिस पर मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, चूंकि बारिश इतनी शदीद थी कि हम वो प्रोग्राम जाहिर है कि बाहर निकल कर रिकॉर्ड करना हमारे लिए मुश्किल था। आप देख रहे हैं कि ये कादियानियों के घर हैं, यहाँ कादियानी आबाद हैं, इन घरों में कादियानी रहा करते हैं। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे करीब से एक बाइक गुजरी, ये भी कादियानी थी, ये तमाम लोग कादियानी हैं। चूँकि इस शहर रब्वा यानी चिनाब नगर जो मौजूदा चिनाब नगर है, यहाँ एक मुस्लिम कॉलोनी है और उस मुस्लिम कॉलोनी में सिर्फ 5% मुसलमान रहते हैं, बाकी इस शहर रब्वा यानी चिनाब नगर में 95% कादियानी आबाद हैं। ये पहाड़ आप देख रहे हैं और शदीद बारिश भी हो रही है। ये इनके घर हैं जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं गाड़ी से बाहर निकलकर आपको तमाम मनाजिर ज़रूर दिखला था मगर बारिश बहुत तेज़ है और मेरे पास कोई छतरी नहीं कि मैं आपको बाहर निकलकर बाकायदा ये तमाम मनाजिर दिखला सकूं। मगर ये जहन में रखिएगा
کہ انشاءاللہ تعالی ہم قادیانیوں کے شہر میں تو آ چکے ہیں، آپ کو قادیانیوں کا قبرستان دکھلاؤں گا جو ان کی طرف سے اکلیم کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہماری جنت ہے اور یہ ہماری جہنم ہے۔ قادیانیوں کے شہر میں میونسپل کمیٹی دفتر ہے چناب نگر، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ گاڑی سے باہر نہیں نکل پا رہا چونکہ بارش بے حد تیز ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ ہم مرکزی شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کو یہاں کی اسپتال بھی دکھلا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبرستان جو ہے یہ اس وقت بھرا ہوا ہے قبروں سے، کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں بچی کہ جہاں کوئی اور مزید قبر بن سکے، اور درجہ بندی کے ساتھ یہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ بالکل اس طرف انہوں نے ایک اور مزید قبرستان بنا رکھا ہے قادیانیوں نے، جس کو انہوں نے جنت کا درجہ دے رکھا ہے۔ نائن کرام، ایک بات یہاں قابل ذکر ہے کہ جس قبر پر بھی اگر ہم نگاہ ڈالیں تو انہوں نے سفید چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور پتھر ڈال رکھے ہیں، معلوم نہیں یہ کیا لوجک ہے، لیکن ہر قبر پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی سفید کنکریاں ڈال رکھی ہیں، یعنی کوئی بھی قبر مٹی کی دکھلائی نہیں دیتی، تمام ہی قبریں مٹی کی تو ہیں مگر مٹی کے اوپر چھوٹی چھوٹی سفید کنکریاں انہوں نے ڈال رکھی ہیں۔ آپ چونکہ فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھ کو بھی اسی قبرستان میں دیکھ رہے ہیں جس قبرستان کو قادیانیوں نے جہنم کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم آپ کو جنت بھی ضرور دکھلاتے، لیکن جنت دکھلانے کے اس لیے قائل نہیں ہے کیونکہ جنت ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے، ہمارا جو عقیدہ ہے ہم جنت مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ ظاہر ہے یہاں سیکورٹی ایشوز کے پیش نظر بھی ہم آپ کو دکھانے سے قاصر ہیں، چونکہ جان جوکھوں میں ڈال کر اس وقت آپ کو یہ ہم تمام مناظر دکھا رہے ہیں۔ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر باقاعدہ یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ سے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، اور ہمارے ساتھ آئیے، ابھی آپ سے ملاقات ہوتی۔ ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو تمام تر مناظر دکھا سکیں جہاں قادیانیوں کا مستقل بسیرا ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی رہی کہ آپ کو ہم قادیانیوں کے اسپتال دکھلائیں، قادیانیوں کے دفاتر دکھلائیں، اور قادیانیوں کی جہنم اور جنت بھی دکھلائیں، اور ہم نے کوشش بھی کی کہ آپ تلک وہ تمام مناظر اسکرین کے ذریعے پہنچائے جائیں۔ ناظرین کرام، اب چونکہ بارش بہت زیادہ ہے، شاید آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں، ہمارے کپڑے بھی بھیگ چکے ہیں، اور اب ہم کپڑے بھی چینج کریں گے، اور کپڑے چینج کر کے ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں جو کہ ماضی میں قادیانی تھے مگر اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماضی میں نہ صرف وہ قادیانی تھے بلکہ قادیانیوں کے مربی تھے، یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں علماء دین ہوا کرتے ہیں، مفتیان کرام ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے قادیانیوں کے مربی ہوا کرتے ہیں، یعنی اونچے مرتبے والا۔ تو اب ہم قادیانیوں کے جو ماضی میں مربی رہے ہیں ارشد اعجاز صاحب، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ الحمدللہ اب اسلام قبول کر چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ بھائی آپ تو قادیانی تھے، آپ کے اباؤ اجداد قادیانی تھے، آپ کے بچے قادیانی تھے، آپ کی بیوی قادیانی تھی، آپ کے ماں باپ قادیانی تھے، مگر آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو آپ تلک یہ ہدایت کیسے پہنچی، اور جب آپ تلک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے بچوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنی بیوی کو مسلمان کیوں نہیں کیا، یہ تمام باتیں ان سے کریں گے، اور مسلمان ہونے کے بعد کس طرح سے قادیانیوں نے ان پر جینا تنگ کر دیا، ابھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور تاریخ میں ایسا پروگرام آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آئیے ہمارے ساتھ، لیکن ابھی ہم چینج کریں گے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہے اور کپڑے ہمارے بھیگ چکے ہیں، ابھی آپ سے ملاقات ہوگی پوڈ کاسٹ میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیک۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلی و بازار، کوچ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام، تضرع اور عشق کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پلیٹ فارم پر آپ خیر کا پیغام ہم کو بانٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم دین کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں،
और हर मकातिब फिक्र के उलमाए किराम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको हमारे साथ विराजमान नजर आते हैं। मगर हमारे माशरे में कादियानियों को काफिर कहा जाता है। मुल्क पाकिस्तान में कानून पास हो चुका है कि कादियानी मुसलमान नहीं है, कादियानी खारिजुल इस्लाम है, कादियानी काफिर हैं। ये बातें हम अपने मौलवियों के साथ करें तो और बात है, अपने उलमाए किराम से सवाल करें तो और बात है, मगर जो कादियानियों के मुरब्बी हों अगर ये सवाल उनकी खिदमत में रखें कि भाई आप खुद को मुसलमान कहते क्यों हैं, हम उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्हीं से उनकी मर्जी का सवाल कर रहे हैं कि भाई आप खुद को मुसलमान क्यों कहते हैं, आप तो काफिर हैं, आप तो माजल्ला 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 आपके बड़ों ने उम्मती नबियों ने तो क्लेम किया है, दावा कर रखा है। आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको उस शख्सियत के साथ मुतारिफ कराने वाला हूं जो कादियानी हैं साबिका। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर करम फरमाया और वो इस्लाम की दौलत से मालामाल हो चुके हैं। ना सिर्फ वो कादियानी थे बल्कि कादियानियों के मुरब्बी रह चुके हैं और कादियानियों को बाकायदा वो पढ़ाते थे, कादियानी बच्चों को एजुकेट किया करते थे। हमारे साथ अरशद एजाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिदायत अता फरमाई और आप दीन इस्लाम में दाखिल हो गए, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको तमाम भी मुसलमान जो हैं वो वेलकम कहते हैं। आप वाकईतन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपकी खिदमत में सबसे पहला सवाल मैं अरशद साहब ये रखने वाला हूं कि आप कादियानियों के मुरब्बी रहे, आप कादियानी बच्चों को पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, एजुकेट करते रहे कि भाई मुसलमान तो मुसलमान ये कुछ भी नहीं है, आप कादियानी हो, आपने यही दर्स दिया हमेशा सब बच्चों को कि आप कादियानी मुसलमान बनो, क्या ख्याल आता था, क्या सोचकर आप ये दर्स दिया करते थे, और आप ये भी बता दीजिए कि कादियानी खुद को मुसलमान कहते क्यों हैं। रब इस्मे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन। सुभान अल्लाह। अहमद भाई बात यह है कि जैसा कि आपने अभी ये सवाल किया कि कादियानी अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं, तो इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है और इनकी असल अकायद जो हैं वो इस्लाम के बिल्कुल बरक्स हैं और इस्लाम के नाम पे ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जा जा के भी ये यही कहते हैं कि अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम, कहते हैं ट्रू इस्लाम जो है वो अहमदियत ही है, ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, हालांकि अहमद तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है, मोहम्मद और अहमद, अहमदी तो हम है भाई, असल में तो अहमदी हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदी भी हैं और अहमदी भी हैं, अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मत मोहम्मदिया का ये खासा है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो, यानी उनको तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। लेकिन इस शख्स ने, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जब इसने ये दावा किया है, तो आप जानते हैं कि अंग्रेज का एक बहुत बड़ा उसूल है कि डिवाइड एंड रूल, तो उसने इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को बहुत से सियासी ग्रुप्स में भी तकसीम किया और मजहबी ग्रुप्स में भी तकसीम किया। तो उस वक्त इन्होंने मुसलमानों में से जज्बे जिहाद को ख़त्म करने के लिए बहुत से आदमी हायर किए और उनको बाकायदा फंडिंग की है। उसमें सबसे जो है ना सर फहरिस्त ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, और कादियान एक कस्बा है जो तहसील बटाला ज़िला गुरदासपुर जो मौजूदा इंडियन पंजाब है वहाँ मौजूद है, तो वहाँ से ये फितना शुरू हुआ था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले ही खबर दे दी थी कि सयकून फी उम्मति सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना كلهم يزعموا انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो ये उन्हीं 30 दज्जालों में से एक दज्जाल था। इसकी किताबें जो हैं वो गुस्ताखियों से, कुफर से, गालियों से और मुतजाद बयानात से भरी पड़ी हैं। और आपको
सच्ची बात बताऊं तो मैं इसकी किताबें पढ़ के ही मुसलमान हुआ। सुभान अल्लाह। सर मैं खत्म करूंगा, चाह रहा हूँ, कितना अर्सा कादियानी रहे आप? मैं पदेशी कादियानी था, बल्कि मेरे परदादा मोहम्मद रमजान वल खैरदीन वो सेखवा के रहने वाले थे। सेखवा गांव जो है वो कादियान से 5-7 किलोमीटर के फासले पे है। तो जब इस फितने का आगाज हुआ तो करीब के जो लोग थे वो ज्यादा मुतासर हुए, और हमारी फैमिली जो है वो जिम्मेदार फैमिली थी और इतने पढ़े लिखे हुए लोग नहीं थे उस वक्त। तो उन्होंने ये समझ के, इसने शुरू में यही कहा कि मैं इमाम महदी हूँ, इमाम महदी होने का दावा किया, और इसने शुरू में नबी होने का दावा नहीं किया था। तो बहुत से लोग इस खुशफहमी में कि हो ना हो ये वाकई इमाम महदी हो, क्योंकि ये उस वक्त एक मुसलमान मनाजर के तौर पे सामने आया था। यानी माजल्ला जो दावी बदलता जा रहा है वक्त बदलने के साथ साथ, जी जी, उससे बड़ा झूठा और कौन होगा, कौन हो सकता है? जैसे फारसी में कहते हैं कि दरोगो हाफजाना बाशद, दरोगो का जो झूठ बोलने वाला होता है ना उसका हाफजा नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि मैंने ये बात पहले क्या कहा था, अब क्या कहना है, क्योंकि वो किसी एक सही बात पे कायम नहीं होता। दरोग फारसी में कहते हैं झूठ को, झूठ को कहते हैं, और इसी को ही अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं, जो बहुत ज्यादा झूठ से काम ले। तो इसकी किताबों में जगह जगह झूठ से भरी पड़ी हैं। मसलन जब मैं जामे हमदिया से रब्बा, जिसका मौजूदा नाम चनाब नगर है, जी, तो वहाँ से मुरब्बी का कोर्स पास किया, तो हमें ये बताया जाता था कि आपने लोगों को ट्रैप किस तरह करना है। आपकी उम्र क्या थी जब मुरब्बी का कोर्स पास किया? उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन 20-22 साल थी, 22 साल तकरीबन, क्योंकि मैं वहाँ पे जो एडमिशन के लिए है ना मेरिट, वो कम अज कम ये है कि मैट्रिक पास हो फर्स्ट डिवीजन में, और उसके बाद फिर उसका रिटर्न और जुबानी इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, जो उसमें क्लियर हो जाए उसको फिर एडमिशन। और किस उम्र में आप इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए? ये तकरीबन आज से 10 साल पहले, समझ ले 30 साल की उम्र में। यानी 30 साल आप कादियानी रहे? जी बिल्कुल। और लोगों को गुमराह करते रहे? ऐसे ही है, हम तो यही समझते थे कि हम उनको सही रास्ते पे ला रहे हैं। क्योंकि आप खुद गुमराह थे ना? बिल्कुल। हमें यही पढ़ाया जाता था कि जिस शख्स ने इमाम महदी की बैत नहीं ना की, वो असल में वो मुसलमान ही नहीं है, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टुकरा दिया है। क्योंकि हजूर ने फरमाया था कि जिसने मेरे अमीर की अतात की उसने मेरी अतात की, और यह भी हुक्म था कि इजा राई तो मुँह हो फबाई हो, जब तुम इमाम महदी को देखो तो उसकी बैत करो। लेकिन ये तो सच्चे इमाम महदी के बारे में था। हाँ। ये तो नहीं कि जो भी कोई उठ के इमाम महदी होने का दावा कर दे आप उसकी बैत कर लें। और देखें, इसने तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है और करबला में जो उन्होंने अपना पूरा कुनबा अल्लाह के रास्ते में शहीद करवाया, और अपने जो उनके असहाब थे उनके मतलब ये इमाम महदी अगर कोई हो तो वो ऐसे अल्फाज कह सकता है? माशाल्लाह, इसकी एक किताब है। इमाम महदी तो बेटे हैं भाई हुसैन के, बिल्कुल अली के बेटे हैं, बिल्कुल। और अपनी किताब रूहानी खजाइन में इस दज्जाल ने क्या कुछ नहीं कहा इमाम अली मकाम के बारे में, बिल्कुल। कितनी गुस्ताखियां की इस दज्जाल ने, वो कहते हैं कि नकले कुफर कुफर ना बाशद, तो हमारी तो जुबान साफ नहीं देती कि हम वो अल्फाज दोहराएं। माशाल्लाह, अलियास बिल्लाह, इसने यहां तक कहा कि इसका एक मानने वाला था मौलवी अब्दुल लतीफ, अफगानिस्तान का रहने वाला था, वो इसकी बैत करके वापस अफगानिस्तान चला गया, तो वहाँ का जो बादशाह था उसको पता चला, तो उसने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, ये एक झूठे मुद्दई नबूवत पे ईमान लेके आया, तो इस तरह ये फितना फैलेगा आगे। तो जब उसको उन्होंने उसके हुक्म पे इसको कत्ल कर दिया, तो इसको पता चला, तो इसने ये लिखा है कि मौलवी अब्दुल लतीफ की शहादत नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर, माज़ल्ला अलियास बिल्लाह अलियास बिल्लाह अलियास, इस तरह के अल्फाज लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और फिर इसने यहाँ तक लिखा है कि मैं तो हर वक्त करबला की सैर करता रहता, माज़ल्ला रूहानी खज़ाइन में लिखा है। हाँ जी, और कहता है कि सद हुसैन दर गिरेबानम, और फिर ये कहता है कि ये जो तुम्हारा शिया कौम, जो शिया मुंजी, मुंजी का लफ्ज़, मुनज्जी, तो हुसैन तुम्हारा मुनज्जी नहीं है, यानी वो तुम्हें निजात नहीं दे सकेगा, निजात दहिंदा नहीं है, तुम्हारा निजात दहिंदा नहीं है। हालांकि जो जन्नत में नौजवानों के सरदार, हाय 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 हाय, और जिनके नाना की शफात से हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, तो उनके बारे में, और ये नहीं जाएगा,
ये तो जिस हकायत पर ये दुनिया से चला गया ये नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता, तो ये तो जहन्नमी है। हाँ। और देखें फिर इसने यहाँ तक लिखा है कि मुझे तो हर वक्त अल्लाह ताला की तायीद और नुसरत मिलती रहती है, लेकिन तुम्हारे अपने से इसने गया इसका हजरत इमाम हुसैन के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। हाँ। और वाकई नहीं था, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये कहना ये चाह रहे कि अगर अल्लाह की नुसरत और ताईद हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब के साथ होती तो कर्बला में उनको ये सब कुछ ना देखना पड़ता। हाँ। और मेरे साथ तो ये नुसरत भी ताईद भी। कहता मुझे तो हर सच्चाई ने क्या कुछ कह रखा है और क्या कुछ लिख रखा है। कहता है कि मुझे हर वक्त अल्लाह की तईद और नुसरत हासिल है जो तुम्हारे हुसैन को हासिल नहीं थी। नौजबिल्ला इसने कितनी बड़ी बात कह दी है। हालांकि इकबाल ने कितना अच्छा एक शेर कहा है, वो कहता है कि सादा और रंगीन है दास्तान हरम, इब्तदा है इसकी इस्माइल और इंतहा है हुसैन। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो फतह याब हुए हैं, उनके साथ अल्लाह की तईद थी, इसीलिए तो उनको इतना अल्लाह ने हौसला और जुरत दी थी तो वो इतने बड़े लश्कर के सामने भी नहीं झुके और उन्होंने इस्लाम का अलम जो है बुलंद रखा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहम। इलाही आमीन, इलाही। सर मुझे ये बताइए अरशद साहब कि आपके खानदान में बुनियादी तौर पर कादियानियत आई कैसे, शुरू ही से आप कादियानी हैं या किसी ने आपके किसी बड़े बुजुर्ग को कादियानी कर दिया, उसने फिर सारा कुंबा कादियानी कर दिया, एक्चुअली कादियानियत आई कैसे आपके खानदान? मैं जैसा कि अभी मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा जो हिंदुस्तान में जो हमारा गांव था वो कादियान के करीब सेखवा नामी गांव था जो अभी भी है। तो जब वहां खबर पहुंची कि कादियान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने इमाम महदी होने का दावा किया, शुरू में तो इसने मुजद्दद होने का दावा किया। हाँ। और लाहौरी ग्रुप जो है वो अभी तक इसी चीज पे कायम है, वो कहते हैं कि हम तो उनको 14वीं सदी का मुजद्दद मानते हैं, हम उनको नबी नहीं मानते। तो हमें वो भी खुद को नबी नहीं कहता था, उम्मत ही नबी क्लेम किया था, नबी कहता था, नबी भी कहता था वो, उसने बाद में जो दावा किया है ना 1905 हमारे मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब बताते हैं इस हवाले से कि वो नबी नहीं क्लेम करते, उम्मत ही नबी क्लेम करते। मिर्ज़ा साहब के पास मुकम्मल मालूमात नहीं है इस बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि ये 1901 में इसने उम्मत ही नबी होने का दावा किया और 1905 में इसने ये कहा है कि मैं नबी भी हूँ और रसूल भी हूँ। और फिर इसने कहा है कि जो वही रसालत होती है उसमें क्या होता है, कुछ चीजों का अमर होता है, कुछ चीजों की नवाही होती है। तो उसने कहा कि मेरी वही में अमर भी है और नवाही भी है, ये उसकी किताब अरबाइन का हवाला है। हाँ जी, उसकी एक किताब है अरबाइन, उसने उसमें लिखा है कि हमारी वही में अमर भी है और नवाही भी है कि कुछ चीजों का हुक्म दिया गया है, कुछ चीजों से रोका गया है। तो इसलिए उसने ना सिर्फ नबी होने का दावा किया बल्कि रसूल होने का दावा किया और यहाँ तक कि उसने ऐन मोहम्मद होने का भी दावा किया। और आप जानते हैं कि ये मैं तो उनका घर का भेदी हूँ ना। जी जी, आप मुरब्बी रह चुके भाई। 10 साल मैंने उनकी तबलीग की है। तो इसका मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का एक बेटा था मिर्ज़ा बशीर अहमद MA, एक बशीरुद्दीन महमूद था जो इसका दूसरा खलीफा बना, उससे छोटा था मिर्ज़ा बशीर अहमद MA, उसने एक किताब लिखी है सीरतुल महदी, आप वही पढ़ के देख लें। वो उसने इस तर्ज पे लिखा है जैसे हमारे मुसलमानों ने हदीस की कुतब है ना हमारे पास रवायत की शक्ल में, मुझसे मेरे मामू ने बयान किया और उससे हमारी अम्मा जान ने बयान, जैसे रावी रावी चलते हैं, जैसे सनद होती है बकायदा। तो इस तरह आप पढ़ के देखें तो आपको हैरत होगी, बहुत सी ऐसी बातें उसमें लिखी हैं कि वो पढ़ के बंदे को हंसी आती है। और वहां जब ये रवायत आप पढ़ेंगे तो आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को एक शरीफ इंसान भी साबित नहीं कर सकते, उसका इमामती होने का दावा तो बहुत दूर की बात है, यानी आम शरीफ इंसान, शरीफ इंसान भी नहीं। अब देखें कि क्या कोई शरीफ इंसान किसी शख्स की बेटी के मुतल्लिक इश्तिहारा दे सकता है कि जी इसका तो मेरे साथ आसमानों पे निकाह हो चुका है और तुम अगर इसका मेरे साथ निकाह नहीं करोगे तो ये लड़की की लड़की का वालिद मर जाएगा। ये किस हवाले से क्लेम कर रहा था वो? इसकी ना एक रिश्तेदार थी मोहम्मदी बेगम, उसका नाम था गुलाम कादियानी। हाँ जी, तो वो काफी खूबसूरत थी और ये उम्र में उससे काफी बड़ा था। उस वक्त इसके 2 शादियां हो चुकी थी। तो ये ज़िमनन बात आ गई, इसकी जो पहली बीवी थी ना हुरमत बीवी, वो इसके कजन थी, तो उसने इसकी बैत नहीं की थी। उसने कहा तुम सारी रातों पड़े रहते हो, खराटे मारते हो, सुबह उठ के कहते हो कि मुझे जी वही हुई है, ये इल्हाम हुआ है, तो तुम झूठे हो
और मैं तुम्हें नहीं मानती। बीवी तो लिबास है, वो तो जानती है ना बीवी रात सारी क्या करते हैं। बिल्कुल, बीवी से ज्यादा कौन जानता है। और उसकी दूसरी तरफ देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती है, अब घर तशरीफ लाते हैं तो हजरत खदीजा कितने प्यारे अल्फाज आए, हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाती हैं कि अल्लाह ताला आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप तो उन इखलाक को कायम करते हैं जो दुनिया से मादूम हो चुके हैं, सिला रहमी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। अरे जी, और इसकी तो घर से लान तान शुरू हो गई। इसकी बीवी ने कहा मैंने तुम्हें मानती कि तुम झूठे हो, और उसके बाद और कामों में भी नहीं मानती होगी इसको। बिल्कुल, और कामों में, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं होगा ना। तो इसने लिखा है ना अपनी किताब नुज़ुलुल मसीह में कि मुझमें हालत मर्दमी कल अदम थी। देखा ना, बता रहा हूँ इसकी किताब का हवाला है। और फिर इसका जो पहली बीवी में से दोनों बेटे थे मिर्जा सुल्तान अहमद और मिर्जा फजल अहमद, उन्होंने भी इसकी बैत नहीं की थी। और एक बेटा तो उसमें से मिर्जा फजल अहमद इसकी जिंदगी में फौत हो गया था, इसने उसका जनाजा नहीं पढ़ा था और कहता था कि ये तो काफिर मरा है, तो ये मुझ पे ईमान नहीं लाया, यानी मेरी बैत किए बगैर मर गया। हाँ, तो इनका ये अकीदा है कि जिसने भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, अच्छा अब ये ख्वाब में देखता है, अब देखा नहीं है लेकिन बतला रहा है अपनी कौम को कि भाई अगर आप फला औरत की शादी मेरे साथ नहीं करेंगे, जो मैं ख्वाब में देख चुका हूँ। हाँ, तो ये जरा वाकया तो बताए ना। तो इसने कहा जी ये मोहम्मदी बेगम की जो शादी है ना, ये मुझसे हो के रहेगी। जैसे अब देखें एक शख्स है, उसकी पहले भी शादी हुई है, फिर दूसरी शादी है, उसमें से भी बच्चे हैं पहली से भी, और फिर वो किसी और लड़की के ऊपर आशिक हो जाता है और कहता है कि उसके घर वालों को डराता धमकाता है कि अगर तुम इसके साथ मेरी शादी नहीं करोगे तो लड़की का बाप फौत हो जाएगा, मर जाएगा, और अगर जिसके साथ भी इसकी शादी करोगे वो मर जाएगा, और बिल आखिर ये बेवा भी होगी ना, फिर भी मेरे निकाह में आएगा। और माजल्ला ये उनको बता रहा है कि भाई ये मुझको वही हुई है, वही हुई माजल्ला। और इसने यहाँ तक कहा कि अगर ये मेरी पेशगोई झूठी साबित हुई तो समझना कि मैं झूठा हूँ, और अल्लाह ताला ने इसकी वो पेशगोई झूठी साबित कर दी। तो फिर भी नहीं समझ रहे ये लोग, ये लोग इतने अंधी तकलीद कर रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कादियानी जिनको मैं जानता हूं, कि जो ये समझते हैं कि हमारा अकीदा सही नहीं है, लेकिन वो दुनिया की खातिर इनके साथ चिमटे हुए हैं। यूरोप का वीजा हो गया, बिजनेस हो गया, रिश्तेदारियां हो गई आपस में, तो इन चीजों को देख के तो वो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन अल्लाह ताला जिनको तौफीक देता है वो छोड़ भी देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं करा मैं चाह रहा हूँ कि इस्लाम के दायरे में रहते हुए जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्तकीन अखलाक में सबसे बेहतरीन है, और उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि अखलाक से इस्लाम फैलाया, और कुफार भी आपसे मुतासिर होते थे और आपको अमीन भी कहा जाता था, यहां तक के कुफार भी अपनी इमानतें आपके पास रखवा कर जाते थे क्योंकि जानते थे कि यही अमीन है। अखलाक से फैलाया ना इस्लाम, तलवार से नहीं। इस्लाम में रहते हुए और अखलाक के मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम पैरोकार हो जाएं और वही अखलाक अगर हम अपने आप में लाने की कोशिश करें, तो हम कादियानियों को किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं जुबान से अखलाक से। सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनसे पूछें कि भाई ये बताओ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ निशानियां मुख्तस की थी कि ये निशानियां जाहिर होंगी तो तब वो तशरीफ लाएंगे, क्या वो पूरी हो चुकी है? हाँ। उसके बाद चूंकि वो तो ला चुका ना जी, आपके मुताबिक, आपके मुताबिक तो आ भी चुका, तो आ गया, वो तो आ गया, मर भी गया, आके तो उसको 100 साल से ज्यादा हो गए, 1908 में मरा है, मर भी गया, और लेकिन अभी तक उन निशानियों में से कोई निशानी पूरी नहीं हुई। हाँ। कोई इनकलाब नहीं आया। हाँ। ठीक है, और ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बाइबल में मत्ती की इंजील बाब 24 में फरमा गए हैं, वो कहते हैं कि देखो बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और ऐसे ऐसे निशान दिखाएंगे कि बहुत से, मुमकिन है कि बहुत से रास्तबाजों और बरगजीदों को भी गुमराह कर दें, लेकिन तुमने उनकी बातों में नहीं आना। इब्ने आदम का आना ऐसे ही होगा जैसे आसमान पे बिजली कूद जाती है। उनका फरमाने का मतलब ये है कि देखो जब मैं आऊंगा तो इतना वाजे पता चल जाएगा मेरे आमद का कि सबको मालूम हो जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके हैं, और तुम
इस दौरान जो झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और नबी होने का दावा करेंगे, वहां ये लफ्ज भी मौजूद है कि वो नबी होने का भी दावा करेंगे और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे, लेकिन और ऐसी बाज शब्दाबाजियां दिखाएंगे कि बाज लोग उसके पीछे लग जाएंगे और गुमराह हो जाएंगे। और ये बाइबल में ये एक मुहावरा ये भी इस्तेमाल हुआ है कि जहां मुर्दार होता है वहां गिद्ध जमा हो जाते हैं। तो ये लोग दुनिया आए हाय हाय क्या नक्शा खींचा उस मुर्दार के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, नक्शा खींचा, जैसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अद दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया एक मुर्दार की तरह है और इसको तलब करने वाले कुत्ते की मानिंद है। तो ये लोग जो है दुनिया की खातिर, हमारे पास जब मैं मुरब्बी था तो बहुत से लोग ऐसे आते थे जो नाम के मुसलमान हैं जिनको अपने अकीदे का भी सही इल्म नहीं है, या ईद की ईद वो मस्जिद में जाते हैं तो आके हमें कहते थे कि जी हमने बैत करनी है, हमारा बैत फॉर्म फिल करें, हमने चंदा भी देना है। तो मतलब उनको पहले से उनका जहन ऐसा बना हुआ था कि जब हम कादियानी डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर बाहर जाके हमारे लिए असाइलम के लिए आसानी हो जाएगी और हमें सियासी पनाह मिलेगी। सर मुझे बताइए कि कादियानी ज़ाहिर है कि एक तरीके से मज़हब है, कादियानी मज़हब से आप मुतनफ़र हुए और आपको कादियानी मज़हब से नफ़रत हो गई, वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें बैठ के पढ़ी और एक तरफ मैंने अहमदिया पाकड़ बुक रख ली और दूसरी तरफ मोहम्मदिया पाकड़ बुक, मुरब्बी बनने के बाद मैं तख्ता ज़ारा में था तो वहाँ हमारे यानी उनका सारा इल्म आपने हासिल कर लिया और फिर बाद में आप टटोल रहे हैं। लेकिन मेरे मेन वाइज सबको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ज़हन मेरा मुतमईन नहीं था कि जब हम कलमा पढ़ते हैं वही नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तो फिर हमें ये सारे लोग गैर मुस्लिम क्यों कहते हैं, काफिर क्यों कहते हैं, काफिर क्यों कहते हैं, अगर हम मुसलमान हैं और रोजे भी रख रहे हैं। अच्छा, नमाजें कादियानियों के यहाँ भी 5 हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, कुरान भी वही है, क्योंकि ये पहले हनफी था। और यहाँ भी एक मजे की बात, अब देखें कि एक तरफ तो वो दावा नबी और रसूल होने का कार है और दूसरी तरफ वो फिका हनफिया का पैरोकार है, यानी यहाँ हनफियों को बदनाम कर रहे हैं जी। वो अब देखें इमाम अबू हनीफा तो उम्मती थे ना, तो एक नबी जो है वो उम्मती के फिका की तकलीद कर रहे हैं ना, तो इसको क्योंकि इनमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि ये अलग से अपना एक फिका बना सके। अगर इसमें जरूरत होती तो ये सैयद पीर मेहर अली साहब के सामने क्यों ना आ जाता। जब उन्होंने बुलाया, हालांकि पीर मेहर अली साहब का तो एक उम्मती होने का दावा है ना, जी हाँ, तो इसका तो बहुत बड़े दावे थे, इसने तो अपने आप गुलामे रसूल होने का दावा। हाँ जी, और लेकिन ये उधर नहीं आया, लाहौर वो 3 दिन बैठे रहे। अच्छा, अगर इसमें जरूरत होती तो ये उधर आ जाता। इसने कहा नहीं जी, मुझे पता चला आपके साथ बहुत से पठान आए हुए हैं और वो बहुत ही जंगजू होते हैं, तो वो आप मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं आ रहा। अच्छा, ये उसने फिर बाद में अपनी किसी किताब में लिखा? बिल्कुल, इसने इसकी नो तोहफा गोलड़विया इसने किताब लिखी है पीर मेहर अली शाह साहब के रद में कह लें, या उनको इसने लिखा कि ये, या जवाब देने के लिए। अब देखें, इसका दावा तो ये था कि मैं इमाम महदी हूँ माशाल्लाह, ठीक है, और उम्मती नबी हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे दावे कर रहे हो, ये झूठे दावे हैं, इनसे बाज आ जाओ और तौबा करो। तो इसने कहा ऐसे करते हैं कि हम कुरान करीम की किसी सूरत की तफसीर लिख लेते हैं और लिखनी अरबी जुबान में है। इसको यह था कि मुझे अरबी बहुत आती है, पीर साहब तो शायद हुजरे में बैठे रहते हैं, इनको तो अरबी आती नहीं होगी, तो ये लिख नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा बात तो ये है कि तुम्हारे अकीदे पे बात होनी चाहिए, तुम खत्मे नबूत को नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हो कि फौत हो गए हैं और तुम हो वो जिन्होंने आना था, तो इस पे बात करने को भी चाहे तुम कहते हो कि किसी सूरत की तफसीर लिख लेते हैं, तो चलो ठीक है आ जाओ, यही लिख देते हैं। इसने कहा चले सूरत मसलन सूरह फातिहा की तफसीर लिख लेते हैं, इसने उसकी तैयारी की होगी जी जी। तो पीर साहब ने वहां पे कहा कि एक बात जहन में रखना कि तुम तो कलम के साथ खुद लिखोगे, लेकिन मैं अपने कलम को हुक्म दूंगा और मेरा कलम खुद लिखेगा, तो जिसका कलम खुद खुद लिखने लग गया वो सच्चा और जिसका ना लिखा वो झूठा, तो ये उससे भी भाग गया। सुभान, इस बात पे भी ये नहीं आया, ये डर के भाग गया। फिर उसके बाद पीर साहब ने वो किताब सैफ चिश्तियाई लिखी मेहर मुनीर, और जिसमें इसके अच्छा ये अपने पीर साहब की किताबें पढ़ी है या उनका इस हवाले से इकरार भी पढ़ा कहीं कादियानी का, या ये दज्जाल जो मिर्ज़ा गुलाम है इसका इस हवाले से इकरार भी पड़ा कि वाकईतन मैंने अपनी आंखों से देखा कि कलम उठकर लिख रहा है? नहीं, वो ये तो फिर आया ही नहीं ना उधर,
ये पहुंचा ही नहीं, ये पहुंचे नहीं बादशाह मस्जिद में, वो रावलपिंडी के करीब गोलड़ा शरीफ से लाहौर में आ गए हैं, लेकिन ये कादियान वाघा बॉर्डर क्रॉस करने तो साथ ही कादियान है, वहां से उधर नहीं आ सका, मतलब मुकाबले पे आया ही नहीं। मैं बिल्कुल वो तीन दिन उधर बैठे रहे। मैं ये बात बताने का मकसद ये है कि उस दौर में भी ऐसे उलमा थे और ऐसे आशिकाने मुस्तफ़ा थे कि जिन्होंने इसका मुकाबला किया है, और ये नहीं कह सकते नहीं जी उनको तो किसी ने बुलाया नहीं। लेकिन सर इनको एजुकेट अगर करना हो अखलाक के दायरे में रहकर किस तरह से किया जा सकता है, यानी इनको भी हम चाहते हैं कि भाई ये भी इस्लाम की दौलत से माला माल, बिल्कुल अल्लाह इनको भी हिदायत दे, तो किस तरह से हम तलवार तो नहीं उठा सकते ना, तलवार उठाकर तो जाहिर है कि ये मुतनफर हो जाएंगे, हमसे भागेंगे, हमको मुतशद्दिद मुसलमान कहेंगे, तो हम तो अखलाक के जरिए इनको मुसलमान करना चाहते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं, क्या तरीका कार अपनाया जाए, क्योंकि आप तो इनके मुरब्बी भी रह चुके, आप तो कादियानी भी रह चुके, आपको तो सब मालूम है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इखलाक के साथ, अखलाक के साथ, अब हमारे मुसलमानों में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो उनके साथ बातचीत करना भी गुनाह समझते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कहते नहीं नहीं ये तो कादी ने इसके, बल्कि यहाँ तक भी है, मैं माना चाहता हूँ यहाँ तक भी है कि अगर कोई मुसलमान मोमिन उनसे बात भी करे या कोई लेन देन का मामला भी रखे तो वो भी मुसलमानी से खारिज है, यहाँ तक भी कहा जाता है, इस तरह के भी फतवा मौजूद है। जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन मैं तो यही गुजारिश करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि आप इन लोगों को ये समझाएं कि भाई आप एक तरफ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि उनका इस बारे में असल अकीदा क्या है। मिर्जा बशीर अहमद एमए ने, वो मैं अभी हवाला देने लगा था, बीच में मेरे ज़हन से महव हो गया, कि उसने एक रिसाला उस दौर में छपता था कादियान से, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, तो उसमें मजामीन लिखे हैं जो कलिमतुल फसल के नाम से वो फिर शाया हुए हैं, और मेरे पास भी वो पढ़ा हुआ है, उसमें उसने लिखा है कि अभी कल मुझे एक शख्स ने कहा कि तुम मिर्जा साहब को नबी मानते हो, आया वो नबी हैं? तो मैंने कहा हाँ नबी हैं। तो कहता है कि फिर हर नबी का एक कलमा होता है, हाँ, तो इनका कलमा क्या है? हाँ, कोई नया कलमा लेकर आओ भाई, वो कलमा हर नबी का कलमा है ना भाई, तो कोई नया कलमा पेश करो, कलमा मुझे हमारे आका वाला कलमा पेश कर रहे हो भाई, बिल्कुल दज्जाल। तो कहते हैं कि अगर उनका कलमा नहीं है तो फिर वो नबी नहीं है, अगर वो नबी है तो उसका कलमा बताओ। तो वो फंस गया, उसने कहा सोचा इसका क्या जवाब दूं, तो उसने कहा कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही है, क्योंकि मिर्जा साहब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा तशरीफ लाए, उसने रिसाले में लिखा, बिल्कुल हाँ। और ये उसके बेटे ने लिखा है, और उसका ये उन लोगों का ये भी किता कि जिसने मिर्जा साहब को ईमान की हालत में यानी उसको बैत की हो देखा हो वो उसका सहाबी है, मेरे परदादा को भी ये कहते हैं कि ये उनके सहाबी हैं। तो उसने एक किताब है अंजाम आथम, उसमें 313 पहले 313 लोग जो उस पे जिन्होंने उसकी बैत की थी उनके नाम लिख के कहता है कि ये वो लोग हैं जो 313 बदरी सहाबा के बराबर इनकी तादाद है, और इनका वही मुकाम है जो हुजूर के साथ रिलेट कर रहे हैं ना तमाम वाकयात को अपने साथ, बिल्कुल नबी ऐसे ही से निस्बत। और कहता है इसने खुद एक शेर में कहा है कि सहाबा से मिला जब मुझको पाया, जिसने मुझको पा लिया मुझ पे ईमान लिया वो नौजबिल्ला वो सहाबा के साथ मिल गया, उसका वो मुकाम है। तो इन लोगों को ये बताने की जरूरत है इखलाक के साथ मोहब्बत के साथ कि भाई देखो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, आप उसकी किताबें पढ़ो, रूहानी खजाइन में आप उसकी किताब अजाला व हाम पढ़ो, हकीकतुल वही पढ़ो। अब देखें उस पर जो वही लेके आता था फरिश्ता, हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो जो वही लेके आते थे हज़रत जिब्रील अमीन, जान जान वही लेके आते थे जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। हाँ। और इस पे जो फरिश्ता वही लेके आता, इससे पूछा गया कि जो फरिश्ता आप पे वही लेके आता उसका क्या नाम है? हाँ। तो इसने कहा उसका नाम है टीची टीची। क्या नाम है? सॉरी, टीची टीची, टीची टीची। हाँ। तो ये जिस तरह का ये खुद था उस तरह के इसके फरिश्ते थे। हाँ। जैसे कहते ना जैसे रूह वैसे फरिश्ते। जान जान। तो ये उसकी किताबों का मुताला करें, देखें, फिर इसका तज़किरा जिसमें वो जितने इसके वही और इल्हामात लिखे हुए हैं वो जरा पढ़ के देखें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसने साबका किताबों से चुराई हैं, मकामात हरीरी से इसने शेर चुरा के लिखे हैं, हत्ता के बहाई मज़हब के जो बानी हैं बहावला ईरानी, उसकी किताबों में से बहुत सी चीज़ें इसने ली हैं।
और इसकी एक किताब अल बलाग है, उसमें इसने लिखा है, जो इसके पास किताबों की फहरिस्त है उसमें इसने लिखा है कि मेरे पास कुतुब बाबी मज़हब और कुतुब बहाइया यानी मौजूद हैं, तो उनसे ये चीज़ें ले लेके लिखता था और कह देता था ये मुझ पर वही नाजल हुई है इल्हाम। और फिर आप ये देखें कि क्या कोई सच्चा इमाम महदी, उसने आके कसर सलीब करना था यानी सलीबी अकीदे को तोड़ना था, मतलब यह कि ईसाई मजहब से लोगों को मुसलमान करना था, जाहिर है। और जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, तो सच्चा दीन दीन इस्लाम है, दीन हक दीन इस्लाम को कहा गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन इस्लाम ही अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन है। तो इसके दौर में तो ईसाइयों की तादाद और ज्यादा हुई है, और ये मलका विक्टोरिया की शान में बड़े कसीदे लिखता रहा, और इसने तोहफा कैसरिया किताब में आप पढ़ के देखे, इसने कहा कि हम पे दो चीज़ों का शुक्र अदा करना वाजिब है, एक अल्लाह का और दूसरा इस अंग्रेजी गवर्नमेंट का, क्योंकि जिसके साये में हम रह के ये काम कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है भाई, सारा कुछ हो रहा है। और असल में तो उन्होंने इसको खड़ा किया था मुसलमानों से जज्बे जिहाद खत्म करने के लिए। इस्लाम का अकीदा तो ये है कि नबुवत आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गई, बेशक हजूर ने यहाँ तक फरमाया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी ये फरमाया कि अंता मिन्नी बिमंजलते हारून, तुम्हारी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा और हारून के साथ, सुभान अल्लाह, मूसा और हारून की निस्बत थी। और ये ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब आका छोड़ गए थे मौला अली, मशहूर वाकया। तो लेकिन ये फरमाया कि वला नबी आबादी, लेकिन ये नहीं कि बाद में तुम नबी हो, मेरे बाद अली कोई नबी नहीं है। आए हाय कितनी मोहब्बत, अरे जब अली नबी नहीं है तो ये दज्जाल नबी कैसे हो सकता है, जब मोहम्मद मुस्तफा के पास अली नबी नहीं है, मूसा और हारून वाली निस्बत है मगर मेरे पास नबी नहीं है, वजाहत कर। अरे एक तरफ तो हम ये कहें, एक तरफ तो हम ये कहें कि आका जानते हैं अल्लाह की अता से, आका गैब जानते हैं ना अल्लाह की अता, अल्लाह बिजात नहीं अल्लाह की अता से, तो क्या आका माजल्ला ये नहीं बता सकते थे कि भाई मेरे बात कोई होगा माजल्ला माजल्ला, जब कोई है ही नहीं, अरे अली जैसा नहीं है, अली जैसा भी नबी नहीं है माजल्ला, बिल्कुल, क्योंकि नबी फरमा रहे हैं। और इस और जैसे दज्जाल मुर्तद फितना जो लोगों को गुमराह करने पर तुला हुआ है और लोगों को गुमराह कर चुका भाई। और अहमद भाई ये बात भी आप ज़हन में रखें कि इसने हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में भी बहुत गुस्ताखियां की, माज़ल्ला, माज़ल्ला, इसने एक जगह पे लिखा है कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, नई खिलाफत लो, मुर्दा अली को छोड़ो, तुम में जिंदा अली मौजूद है, माज़ल्ला, माज़ल्ला। ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं, नहीं मैंने ये तो कहा, ये तो इंसान खुद इसने ये कहा है कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ, हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर, और इसने खुद कहा कि मैं तो एक मट्टी का कीड़ा हूँ। तो ये वाकई इसने वही काम किए हैं जो एक इंसान, जो एक माकूल इंसान जो थोड़ी बहुत भी अकल रखता है वो ऐसी बातें कह सकता है, माशाल्लाह। शहीद को तो वैसे ही कोई भी शहीद है तो उसको मुर्दा कहने से तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मना किया है, मना फरमाया ना। और ये वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये हजरत अली जो शहीद है और कितना उनका मुकाम है, और उनको कह रहे हैं कि मुर्दा अली को छोड़ो, तो ये शख्स जो है ये कादियानियों को चाहिए कि उसकी किताब में देखें पढ़ें कि हम किस शख्स को इमाम महदी मान रहे हैं, किस शख्स को। मैं अर्शद साहब कदर का मान चाह रहा हूँ, आप तकरीबन 30 साल इस गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को नबी मानते रहे और इसको हक पर मानते रहे, इसको इमाम महदी भी मानते रहे, आप इसके पैरोकार रहे क्योंकि आप कादियानी थे, बिल्कुल। और अब आप कादियानियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं जबकि कादियानियों के आप पर इतने एहसानात हैं कि उन्होंने अपने रसायल में, अपने जराइल में, अपनी किताबों में आपकी तस्वीर तक शाया किए हैं। जरा तस्वीर हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मुरब्बी रह चुके हैं कादियानियों के, इनकी तस्वीर भी कादियानियों ने अपनी किताबों में बाकायदा शाया कर रखी हैं और आज ये कादियानियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, चूंकि अल्लाह ने इनको हक का रास्ता दिखला दिया, सच का रास्ता दिखला दिया और ये हकीकी पक्के सच्चे मुसलमान मोमिन बन चुके हैं, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत से इनको फैजयाब नहीं किया बल्कि मालामाल भी कर दिया है। जरा हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। नाज़रीन कराम आप इस वक्त देख सकते हैं
के जामिया अहमदिया रब्वा, ये बकायदा रिसाला है जो रब्वा से छपा है भाई कादियानियों की तरफ से, और कादियानियों ने इनकी यानी अरशद साहब की तारीफ भी अपने इस रिसाले में कर रखी है। आप देख सकते हैं कि अरशद अहमद साहब की तस्वीर कादियानियों ने अपने रसाले में लगा रखी है, और ये गालिबन उस वक्त आप असीर थे जब ये मैं उस वक्त मैं जेल में था, तो इनके पास तस्वीर थी, इन्होंने ये कादियानियों का रसाला आप देख रहे हैं, ये कादियानियों का रसाला है। इस रसाले में अरशद साहब जो कादियानियों के मुरब्बी थे, इनकी तस्वीर शाया है और बाकायदा तारीफी कलिमात भी इनके लिए कहे गए, क्योंकि ये मुरब्बी थे कादियानी। मोहम्मद अरशद मेरा नाम था जब जामिया में दाखिल हुआ, वहां भी मोहम्मद अरशद ही लिखा था। मेरे वाला साहब का नाम मोहम्मद अशरफ था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होके फौत हुए जी, सुभान तो सुभान। लेकिन इन्होंने जानबूझ के मोहम्मद अरशद लिखने के बजाय अरशद अहमद लिखा, तो ये मतलब देख लें, एक ये तो जिमनन बात आ गई। ये वो वसीयत का सर्टिफिकेट है, जो शख्स भी ये वसीयत करता है, ये भी मेरा मैंने भी वसीयत करवाई हुई थी। ये मैं इसलिए चीजें दिखा रहा हूँ कि पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था, तो उसके कमेंट्स में बहुत से कादियानियों ने लिखा था कि नहीं नहीं हम तो नहीं इनको जानते, ये तो हमारे मुरब्बी हाँ, नहीं है, यानी वो क्लेम कर रहे थे कि हम जानते नहीं हाँ। क्योंकि आप जानते हैं उनको, बिल्कुल आप उनको जानते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम भी इनको जानते हैं, क्योंकि ये शख्स एक्सपोज करेगा, और आपके पास बाकायदा सबूत है कि मैं कादियानी रह चुका हूँ, ये कादियानी रह चुके हैं, इनके पास सबूत है, क्योंकि उनकी जानिब से सर्टिफिकेट दिया गया कादियानियों की तरफ से कि ये कादियानी रह चुके हैं। जामिया अहमदिया के जो हॉस्टल था नासिर हॉस्टल, उसका कार्ड है, इसमें बकायदा तस्वीर लगी हुई है वो, और मीर महमूद अहमद नासिर उस वक्त प्रिंसिपल थे, उनकी जो स्टैम्प और उनके साइन, ठीक है, ये भी उसी नासिर हॉस्टल का कार्ड है। 5 साल में उधर रह के हॉस्टल में, तो इनका जब यानी कादियानी के हॉस्टल में आप 5 साल रहे, जी जी रव्वा में। तो इसी तरह इनके जो उस वक्त मिर्जा ताहिर था खलीफा, उसको खलीफा तो मुसी राबे कहते थे, उसके खाते हैं अपने उसके स्टैंप और साइन के साथ। हाँ हाँ, आपकी तारीफ की है भाई, जी, आपने बड़ा काम किया था उनके लिए, और ऐसे ही जैसे पछतावा होते हैं अरशद साहब, किस चीज पे, माजी की जिंदगी से। हाँ बिल्कुल, लेकिन जाहिर होना चाहिए, खुशी तो इस बात पे होती है, खुशी नहीं तो तमाम तर वो जो दुख थे गम थे वो खुशी तो उन पर हावी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिग्रेट तो होता है कि भाई चूंकि फतह मक्का से पहले वाले मोमिन और बाद वाले बराबर तो नहीं है, नहीं बराबर तो नहीं। अब देखें मुझे इस चीज पे तो होता है कि मैं चूंकि कादियानी घराने में पैदा हुआ था, इसलिए ये देखें, ये मिर्जा मसरूर के खाते हैं, बहुत से हैं मेरे पास जी। तो उसके अपने साइन हुए हैं। सर ये मुझे बताइए जरा कि कादियानी औरत या मर्द की पहचान दर हकीकत क्या है, सामने से कोई औरत आ रही है हम कैसे पहचाने कि भाई ये कादियानी औरत है। दरअसल एक तो उनके जो बुरके का स्टाइल है वो हमारी आम मुसलमान औरतों से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे स्टाइल होते हैं? तो मतलब हमारे तो ज्यादा काले रंग का बुरका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ और कलर्स होते हैं उनके, और थोड़ा सा वो तुर्की टाइप का वो होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ भी भाई फैशन आ चुका है और राइज हो चुका है, असल तुर्की बुर्का इस्तेमाल होता है और कलर्स भी मुख्तलिफ होते हैं, तो पहचान कैसे की जा सकती है? असल तो पहचान हो उनसे बातचीत करके ही हो सकती है, बातचीत करके हो सकती है, लेकिन वो मानेंगे नहीं कि हम, वो कहेंगे हम भी मुसलमान है, वो कहते तो यही कहते हैं कि हम मुसलमान है, बल्कि वो कहते हैं कि हम ही मुसलमान, हम ही मुसलमान है। तो इनका एक निशानी ये भी है कि ये किसी भी मुसलमान की मस्जिद में उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अच्छा। जाएंगे नहीं, और अगर कोई मुसलमान फौत हो जाता है तो उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि सर जफरुल्ला खान जो पहला वजीर खारजा था पाकिस्तान का, जब कायदे आजम फौत हुए तो उसने वो उधर मतलब उधर उनके जनाजे में मतलब शामिल था, लेकिन उसने जनाजा नहीं पढ़ा था, बिल्कुल अकेला एक साइड पे खड़ा हो गया। तो लोगों ने कहा कि आपके साथ तो कायदे आजम ने इतना वक्त गुजारा है और आप उनके साथ काम करते रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जनाजा पढ़ रहे? तो उसने कहा कि मुझे एक मुसलमान मुल्क का काफिर वजीर समझ लो या एक काफिर मुल्क का मुसलमान वजीर समझ लो, लेकिन मैं ऐसे शख्स के पीछे जनाजा नहीं पढ़ सकता जिसने इमाम मादी की बैत नहीं की। तो यानी इतने ये सख्त होते हैं। और मिर्जा बशीर, अच्छा इनका कुरान भी, कादियानियों का कुरान भी मुख्तलिफ होते? नहीं, कुरान करीम वही है
लेकिन उसका तर्जमा और उसकी तफसीर जो है उसमें चेंजिंग उसमें तहरीफ की हुई है। माज़ल्ला, माज़ल्ला, माज़ल्ला। और इनकी जानिब से की गई है, बिल्कुल इन्हीं की जानिब से। और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ये मुबारक अहमद सानी का जो केस हाईलाइट हुआ है, बहुत ये मुबारक अहमद सानी हमारा जैमा फैलो एक साल मुझसे सीनियर है। अच्छा, तो मैं इसको बड़े अच्छे तरह जानता हूँ। तो ये भी इसी जुर्म में इसको सजा हुई थी कि इसने जो वो तहरीफ शुदा नुस्खे थे ना जिसमें तर्जमा और तफसीर में तहरीफ किए वो तकसीम किए थे। और हमारे चीफ जस्टिस साहब ऐसे लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, हिदायत अता फरमाए। अच्छा सर मुझे ये बताइए, बस आखिरी दो सवाल आते हैं, मुझे बताइए कि आपने कादियानी रहते हुए शादी की कादियानी औरत के साथ और बच्चे भी जाहिर है कि कादियानी पैदा हुए। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिदायत अता फरमाई तो क्या उन बच्चों को भी अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई जो आपके साथ कादियानी थी और आपकी बीवी भी जो कादियानी थी उनको भी हिदायत अता फरमाई है, सिर्फ आपको हिदायत अता फरमाई और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुसलमान होकर बाहर आ गए? देखें अल्लाह ताला का मुझ पे बड़ा खास फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी, बल्कि मेरे बहुत से जो रिलेटिव्स थे वो मुझे कहते थे तुम तो इतना पढ़े लिखे थे, इतना जमात का इलम था आपके पास, तो तुम किस तरह तुमने छोड़ दिया। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि तुम भी उतना पढ़ लिख जाओ ना, मिर्जा साहब की किताबें पढ़ लो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये झूठे हैं। और फिर मैंने अपनी उस पहली बीवी को भी बहुत समझाया, लेकिन हदायत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। वैसे तो हजरत लूत अलैहि सलाम की बीवी भी तो नाफरमान थी। जी हां जी हां जी हां। तो इस तरह उसको उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन बल्कि वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अगर तुम वापस नहीं आओगे कि वापस कादियानियत की तरफ नहीं आओगे तो मैं तुम्हें तुमसे खुला ले लूंगी। और यानी आपने समझाने की कोशिश की बहुत, और आपको मोहब्बत भी थी उनसे जाहिर है, जाहिर मेरी पहली बीवी थी उस बच्चे भी थे, बच्चों से भी मोहब्बत। तो कहती कि बच्चे भी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो रव्वा में ही पैदा हुई थी, वहां ही पली बड़ी थी और उसकी पूरी फैमिली। और फिर जब ये जो दफ्तर वाले थे उनको पता चल गया कि ये तो मुसलमान हो गया तो हमारा हमारे लिए बदनामी का बायस होगा कि एक मुरब्बी मुसलमान हो गया। तो इन्होंने उसको बहुत ना उसकी ब्रेन वॉश किया कि इसको ब्लैकमेल करो, तो इसलिए फिर वो इस तरफ वापस नहीं आई। तो फिर मैंने उसको कहा कि इस्लाम और ईमान की खातिर मुझे अगर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा तो मैं इसे दरेग नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया, फिर मैंने उसको डिवोर्स दे दी और उसके बाद फिर मुसलमान औरत से शादी हुई। तो बड़े भी सारे आपके कादियानी, तो कोई हिस्सा तो घर से मिला नहीं, फिर आप कुछ करते थे, आपके पास कोई पैसा वैसा था जो आपने अलग घर ले लिया या क्या मामला बना कि किसी मुसलमान ने आपको पनाह दी और मुसलमान ने ये नहीं समझा कि भाई ये कोई जासूस ना हो कादियानियों की तरफ से हम पर लॉन्च किया गया, ऐसी कोई बात नहीं? दरअसल हुआ ऐसे कि जब मैं मुसलमान हुआ हूँ तो शुरू शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जब मैं ये सोचता था कि जब भी मक्का में कोई मुसलमान होता था उसके साथ क्या सलूक किया जाता था, तो उसकी निस्बत तो हमारे साथ ऐसा कोई सलूक नहीं हुआ। हाँ मेरे साथ हुआ है कि मेरे घर वालों ने मेरा बायकॉट किया, अभी तक मुझे जायदाद से कुछ भी नहीं मिला, हालांकि गुजरांवाला शहर में हमारी काफ़ी प्रॉपर्टी है। तो इधर फैसलाबाद में मैं एक रेंट के मकान में रह रहा हूँ और एक फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर जॉब कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है और दिल हमारा मुतमिन है कि हम दीन हक पे हैं, और वो जो तीन चार नस्लों से हम एक गुमराही और जलालत के रास्ते पे चल रहे थे वहां से अल्लाह ताला ने निकाल के अपने सच्चे हबीब के मानने वालों में शामिल कर दिया, और इस झूठे दज्जाल और कज़ाब और झूठे मुदई नबूवत की इस चुंगल से हमें आजाद कर दिया। अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है, बेशक बेशक। और अल्लाह ताला जैसे फरमाता है कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, तो अल्लाह ताला मोमिनों का वली है और वो उनको अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लेके, बेशक बेशक, ये अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह। अच्छा कादियानी से आप मुसलमान हुए, अब मुसलमान से किसी फिरके में बटने का इरादा है? सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, देवबंदी है, क्या है आप? ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुआ हूँ और जितने भी फिरके हैं अपनी अपनी जगह पे जो भी हैं वो ठीक हैं, ठीक है, और मैं मुहम्मदी हूँ। सुभान अल्लाह, ठीक है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्लिम है, मुस्लिम हूं, मुस्लिम हूं। और ये जो सहाबा थे उनमें से कौन देवबंदी था, कौन वहाबी था, सुभान अल्लाह, कौन बरेलवी था, सुभान अल्लाह। ये तो सब बाद की बातें हैं। तो हमें असल जड़ के साथ जुड़ना चाहिए, ना के पत्तों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जड़ हमारी मुसलमान है, मोमिन है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। और आखिर पर मैं यही कहूंगा कि वेलकम इन इस्लाम, चूंकि आप मुबारकबाद के मुस्तक हैं, एक मरतबा से हमारे नाज़रीन के सामने जरा तजदीद ईमान कर लीजिए। मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि आप कादियानी से मुसलमान हुए, जरा कलमा भी पढ़ लीजिए ताकि हम प्रोग्राम से इजाज़त दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा ये अकीदा है कि हम अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं, वो वाहदहु ला शरीक है। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, हैं और क़यामत तक रहेंगे। कलमा तो वो भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो खत्मे मौत का इकरार है, बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी है। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत वैसे ही है जैसे आज से 1400 साल पहले थी, सुभान अल्लाह। और क़यामत तक के लिए आप नबी हैं और आपके बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पे कायम रखे और खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज 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 ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट से महसूस होते रहें और हो सके जिससे मैं जवानी और सांस में रवानी रही। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम करते वक्त कोई गलती या सहम हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा का तलबगार और माफी का खासगार हूँ। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।